सीसीटीवी की ये भयावह तस्वीरें हैं पलवल के टोल प्लाजा की, जहां एक कैंटर चालक ने तेज गति से आते हुए टोल के दो कर्मचारियों को रौंद डाला। घटना आज तड़के की है। केएमपी टोल प्लाजा पर हुई इस भीषण दुर्घटना में एक टोल कर्मचारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक कैंटर चालक ने पलवल से मानेसर की ओर जाते समय अपने वाहन को उल्टी दिशा में दौड़ाकर टोल पार करने की कोशिश की, लेकिन कैंटर की गति इतनी तेज थी कि दो कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचा और कर्मचारियों को नागरिक अस्पताल भिजवाया। तो वहीं सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि सहायक टोल मैनेजर विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई है कि रविवार की सुबह करीब 5:15 बजे तेज गति से उल्टी दिशा में आ रहे कैंटर चालक ने टोल के दो कर्मचारियों को रौंद डाला, जिसमें उत्तर प्रदेश निवासी राधेश्याम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा कर्मचारी अमन कुमार अस्पताल में उपचाराधीन है। फिलहाल टोल मैनेजर की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सुबह 6:15 बजे आसपास हमारे को सूचना मिली थी, एक आइसर कंटेनर था जो पलवल से मानेसर की तरफ रोंग साइड से टोल को पार करके भागा था, और रोंग साइड से टोल को पार करते हुए उसने दो टोल कर्मियों को कुचल दिया था, जिनमें से एक की मौके पर डेथ हो गई थी और दूसरे की यहाँ से जीएच से रेफर कर दिया था दिल्ली के लिए, और उसको रास्ते में ले जाते हुए उसकी डेथ हो गई। कितनी उम्र है दोनों की? इनकी ये टोल के कर्मी थे और जिनकी लगभग 30-35 के आसपास एज। क्या कार्रवाई की जा रही है? इन्हें पर्चा दर्ज कर दिया, और पर्चा दर्ज करके यहाँ जो जिसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी उसका पोस्टमार्टम करा दिया है, और जो सफदरजंग दिल्ली के लिए रेफर हो गया था उसका पोस्टमार्टम सफदरजंग में होगा, और उनको हमने आवश्यक डॉक्यूमेंट। आपको बता दें कि जल्दी में तेज गति से टोल पार करने के चक्कर में कैंटर चालक की लापरवाही से एक बेगुनाह की जान चली गई और एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पलवल से नितिन शर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।